नगर पंचायत राजू सुल्तानपुर निवासी ग्राम जनश्री बुजुर्ग के नरेंद्र मौर्य को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। देखते हैं वो कितना सफल होते हैं। उनका लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। हम उनका धैर्य से स्वागत करते हैं। हमको उस जो भी समझा एक गरीब किसान को उन्होंने टिकट देके जो उम्मीद रखी है उस पर हम खड़े उतरेंगे और जो उनके नीतियां हैं वो उस पर हम काम करेंगे। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा आपकी बार नगर पंचायत के चुनाव में? जी वो चलेगा और हम मेहनत करेंगे और हमारे जो साथी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी मेहनत करेंगे सब। किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे नगर पंचायत राज सुल्तानपुर में? हम यहाँ नाली का विकास करेंगे और जो सबका कॉलोनी है घर जिसके पास मंडी है घर नहीं है उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे घर बनवाएंगे और रास्ते में जो RCC करवाएंगे बस अड्डे का भी व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ से गाड़ी हमेशा सबको सुविधा मिलेगी आने जाने के लिए। यहाँ पे भाजपा सपा और बसपा का गढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, कितना कठिन मानते हैं आप अपने? कठिन तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी का ही शासन यहाँ चलेगा और इन लोगों का जो वादे करते हैं वादे पे खड़े नहीं उतरते। आम आदमी पार्टी ने वो ताकत है जो कही है वो किया है। यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को किस बेस पे पसंद करे कि आम आदमी पार्टी को वोट दे? वो दिल्ली में देख रहे इतिहास गवाह है, वो जितना कर किया है दिल्ली में वो सब जनता जान रही है और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आवे और यहाँ बढ़िया काम करे। देखा जाता है कि अभी यूपी में आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं है, तो क्या लगता है आपको इस नगर पंचायत राय सुल्तानपुर में झाड़ू चलेगा? जी चलेगा और उनका जो जनता है ये चीज़ को समझ रही है कि ये सब लोग आते हैं और वादे करके चले जाते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आगे अच्छा काम करेगी। आज आपको प्रत्याशी घोषित किया जाता है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने नगरवासियों को? हम भाई हमको प्रत्याशी चुना इसके लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं पार्टी का। हम पार्टी में रह के आगे काम करेंगे और दूसरी बात ये है कि हम मेहनत करके और सबको मतलब जोड़ के और इस पार्टी का नाम आगे बढ़ाएंगे। ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन पद के लिए चुने गए नरेंद्र मौर्य जी को प्रत्याशी बनाया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जी नरेंद्र मौर्य जी को चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने चुना है, आप प्रभारी निकाय चुनाव के प्रभारी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी पार्टी हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है और गरीब बच्चों के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ रही है, हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ रही है, सड़क निर्माण की लड़ाई लड़ रही है, विकास कार्य की लड़ाई लड़ रही है। वह एक ईमानदार कैंडिडेट को ही टिकट देती है। इनकी जांच और छानबीन के बाद जब इनको पार्टी ने देखा कि ईमानदार कैंडिडेट है तो पार्टी ने अपना निर्णय लिया है और नरेंद्र मौर्य जी को अपना टिकट दिया। आम आदमी पार्टी किस बेस पे चुनाव लड़ेगी यहाँ नगर पंचायत? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, बेरोजगार के खिलाफ लड़ेगी और जो रोजगार लोग आज के डेट में लोग बच्चे तो पढ़ लिख करके रोजगार नहीं पा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं अन्य पार्टियों से और रिजल्ट कुछ नहीं आता है, बच्चों का समय निकलता जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेंशन की लड़ाई है, पेंशन बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं मिल रही टाइम से, पेंशन कम मिल रही है, लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिजली का बिल, रोड नहीं है, जगह जगह हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, साफ सफाई नहीं है, किसानों का जो दर मेहनत करते हैं पानी किसान के लिए बिजली पानी चाहिए बिजली चाहिए तेल का दाम
और निर्धारण सरकार करती है उसमें कोई रेट सही नहीं तय कर पा रही है, किसानों की भी नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पे गढ़ माना जाता है सपा बसपा और भाजपा का, और इसमें आम आदमी पार्टी है, इससे लगाने कितनी सफलता पाएगी? जिस प्रकार से पंजाब में सफलता पाई है पार्टी, उस प्रकार उत्तर प्रदेश में सफलता पाएगी, क्योंकि निकाय में जब हमारा नगर पंचायत का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो हमारी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। आपको जनता, आम आदमी पार्टी को जनता वोट क्यों दे? आज के डेट में सांसद को भी तो बिजली के बिल के लिए 5,000 यूनिट मिलती है फ्री, तो अगर हम जनता के लिए अगर बिजली का 200-300 यूनिट फ्री कर देते हैं तो उसमें हमारा क्या जाता है? लेकिन उस गरीब व्यक्ति का कम से कम 400-500 रुपये की आमदनी होती है, बचता है। मेडिकल में ज़्यादा पैसे लगते हैं, मेडिकल का चार्ज अगर हम देते हैं, खर्चा देती है सरकार, तो मेडिकल का जो पैसे गरीब लगाते हैं वो गरीब का पैसा बचता है। जो स्कूल अगर अच्छा कर देते हैं, जो शिक्षा अच्छी मिलती है बच्चों को, तो स्कूल का चार्ज बच्चों का बचता है। पेंशन बुजुर्ग लोगों को मिलता है, दवाइयाँ मिलती है, तो वह गरीब एक व्यक्ति विशेष के लिए फायदा है, गरीब के लिए फायदा। हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बेरोजगार की लड़ाई लड़ रही है जी सर। आम आदमी पार्टी पे तो भाजपा बहुत बुरी तरह से प्रहार कर रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के। लेकिन अभी तक किसी के ऊपर ईडी का जांच हुई, कभी इनकम टैक्स की जांच होती है, कभी सीबीआई जांच होती है, लेकिन अभी तक कोई भी गुनहगार पाया नहीं गया है। सिर्फ जांच में जांच चल रही है, लेकिन गुनहगार अभी साबित नहीं हुआ कोई, क्योंकि हमारे ईमानदार थे मनीष सिसोदिया जी और सचिंदर जैन जी। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ब्लेम लगाया गया, कभी 10,000 करोड़ रुपये का, कभी 10,00,000 करोड़ रुपये का लगाया गया, और उसके बाद जब जांच हुई उनके घर में, उनके मामा, उनके फूफा, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र इष्ट यार सबके पास छापा, एक साथ ईडी ने मारा, पर 10,000 रुपये मनीष सिसोदिया जी के पास नहीं पाएगा। कट्टर ईमानदार सरकार। आम आदमी पार्टी राज सुल्तानपुर के नगर पंचायत को क्या संदेश देना चाहती है? आम आदमी पार्टी नगर पंचायत को यह संदेश देना चाहती है कि अगर क्षेत्रीय विकास को करवाना है, रोड नालियाँ और लाइटों का, हॉस्पिटल का अगर विकास करवाना है, तो जनता को आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी को चयन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो नरेंद्र मौर्य जी हैं, क्या इनकी जीत इतने प्रत्याशियों और जो कैंडिडेट आसान होगी? जी ऐसा है, जनता अब हर चीज़ को समझ चुकी है कि हर जगह हर बात पे लोग बरगड़ाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, झूठे वादे करते हैं और खरे नहीं उतरते हैं। जनता हर चीज़ को समझ चुकी है, क्योंकि जनता की जेब से पूंजी लग रही है। अब जनता चाहती है कि ईमानदार सरकार आए जो जनता व्यक्ति विशेष का फायदा कर सके, किसान का फायदा कर सके, गरीब का फायदा कर सके। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि राय सुल्तानपुर की जनता जो नरेंद्र मौर्य जी को चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।